Guys, this is Arshan Chauhan and today we will discuss chapter number 5 continuity and differentiability. Question number 1 से लेके 4 तक भी already discussed. आप वीडियो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की हेल्प से. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में वो हम चेक करने वाले हैं. सो इट इज क्वेश्चन नंबर 5. इट इज गिवन टू अस y इक्वल्स टू होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 एंड होल क्यूब ऑफ x प्लस 4 एंड होल 4 ऑफ x प्लस 5. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे फंक्शंस हमें मिलेंगे क्या करना होगा, हमें लॉग लेना होगा. ठीक है, सो स्टार्ट ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉग लेने पर. ठीक है, सो वी विल गेट लॉग y equals to log and in bracket we will get x plus 3 square and x plus 4 whole cube and x plus 5 whole power 4. ठीक है, अब हमने रूल पढ़ा था कि अगर हमारे जो फंक्शंस हैं वो किस में हो, प्रोडक्ट में हो, सो वी कैन राइट देम log x plus 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 की होल पावर 4. इसको हम इस तरीके से लिखते हैं. एंड एक प्रॉपर्टी और हमने पढ़ी थी इसके लिए, वो क्या थी, वो ये थी कि अगर कहीं पर log x रेज़ टू पावर n लिखा हो तो ये पावर पहले आ जाती है. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 एंड 4 log x प्लस 5. ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. नाउ अब ये इस तरीके से बन गया फंक्शन कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज 1 अपॉन y एंड y का जब हम करेंगे इट विल बी dy ओवर dx. ठीक है, फ्रॉम हियर 2 1 अपॉन x प्लस 3. ठीक है, इसको लिखिएगा 1 अपॉन x प्लस 3 एंड प्लस 3 1 अपॉन x प्लस 4 एंड प्लस 4 1 अपॉन x प्लस 5. नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम इसका ले लेंगे एंड ये जो y है ये इस साइड में चले जाएगा. ठीक है, सो वी कैन राइट, ओके ऑन टेकिंग एलसीएम, एलसीएम विल बी x प्लस 3 and x plus 4 and x plus 5. ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 x plus 4 x plus 5 and plus 3 x plus 3 x plus 5. ओके, एंड यहां से मिलेगा प्लस 4 x plus 3 and x plus 4. ठीक है, अब यहाँ के बाद आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए. ठीक है, जो भी मल्टीप्लीकेशन, नाउ आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट्स यू कैन चेक फ्रॉम हियर डीवाई ओवर डी एक्स, ये y एज इट इज लिखेंगे एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई x प्लस 4 एंड x प्लस 5 देन यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 20 एंड 2 एज इट इज. एंड फिर नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस 3 एंड x प्लस 5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 8 x प्लस 15. ओके, नाउ x प्लस 3 एंड x प्लस 4 की मल्टीप्लीकेशन करने पर मिलेगा x स्क्वायर प्लस 7 x प्लस 12. ठीक, आप 2 की मल्टीप्लीकेशन अंदर ब्रैकेट में कर देते हैं देन वी विल गेट 2 x स्क्वायर प्लस 2 9 जो 18 x प्लस 20 2 जो 40 एंड 3 x स्क्वायर प्लस 3 8 जो 24 x एंड 5 3 जो 45 एंड 4 x स्क्वायर प्लस 4 7 जो 28 x प्लस 12 4 जो 48 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज. ठीक है, अब यहां से इनको सॉल्व करिए, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर, लाइक टर्म्स को हम एक साथ रखते हैं, सो इनको एडिशन करने पर वी विल गेट 9x स्क्वायर एंड 18x 24x एंड 28x, इन तीनों को ऐड करने पर वी विल गेट 70x एंड कांस्टेंट टर्म 40 45 एंड 48, इन तीनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 133. डिनोमिनेटर यू विल राइट एज इट इज. नाउ वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द स्टार्टिंग यू कैन राइट हियर. ठीक है, इट इज x प्लस 3 होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म्स हमारे पास है, तो यहां से एक एक इनकी पावर
कम हो जाएगी. ठीक है, सो वी कैन राइट x प्लस 3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 5 का होल क्यूब एंड ये टर्म, क्योंकि ये टर्म तो क्या हो गई, वानिश हो गई, खत्म हो गई यहां से. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफ्रेंसिएशन. नाउ स्टूडेंट्स चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 6. It is given to us y equals to x plus 1 upon x raised to power x plus x raised to power 1 plus 1 upon x. तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि दो x के functions हैं और उनके भी powers में वो function दिए हुए हैं और साथ में addition sign है. ठीक है, तो इन functions को अगर हम एक साथ log लेना चाहें तो हम नहीं ले सकते, because there is no formula for log u plus v. ठीक है, कोई formula नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, इनको अलग अलग फंक्शंस सपोज कर लेना है. लेट सपोज u इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर x, ये हम लाइट कर लेते हैं. ठीक है, और यहां से v इक्वल्स टू x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया. ठीक है, सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस v, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, dy ओवर dx equals to du over dx plus dv over dx, हमें ये मिल जाएगा. ठीक है, तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी. नाउ फर्स्ट वी विल सॉल्व u एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व v. सो सॉल्व u, u को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो u equals to हमें गिवन है x plus 1 upon x की होल पावर x. Now take log both sides. So log u equals to x log x plus 1 upon x, हम इसको लिख सकते हैं. Now differentiate by parts. ठीक है, so we will get 1 upon u du over dx equals to first function as it is. Let's suppose it is first function and this is second function. So first function as it is, second का differentiation. So log x का differentiation क्या होगा, x plus 1 upon x. अब x plus 1 upon x का भी हम करेंगे, यहाँ पे chain rule apply हो रहा है. ठीक है, so ये हो जाएगा x का differentiation 1 and 1 upon x का differentiation minus के 1 upon x square. ठीक है, now plus log x plus 1 upon x as it is and x का डिफ्रेंशिएशन 1. तो यहां से हमें मिलेगा du ओवर dx इक्वल्स टू u, इधर राइट हैंड साइड में ले जाते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मिलेगा x. और जब आप इस एलसीएम लेंगे देन आपको नीचे डिनोमिनेटर में जो मिलेगा x मिलेगा, है ना, और ये अभी इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये टर्म क्या होगी, टर्न हो जाएगी, पलट जाएगी, तब ऊपर हमें क्या मिलेगा, एक एक्स और मिल जाएगा. सो इन दैट केस वी कैन राइट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ हियर टेक द एलसीएम, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज. ठीक है, यहां से ये मिला. अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. डीयू ओवर डीएक्स, वैल्यू ऑफ यू इज x प्लस 1 अपॉन x होल पावर x, एंड देखो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट हो जाएगा, सो यहां हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x. ठीक है, चलिए ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. इन द सिमिलर वे वी विल सॉल्व वे, v को हमें सॉल्व करना है. v गिवन है x रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन x, सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन x. ठीक है, नाउ टेक log, ऑन टेकिंग log वी विल गेट log v इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन x एंड ये बन जाएगा log x. एंड अगेन वी हैव टू फंक्शंस ऑफ x हियर, सो लेट सपोज इट इज फर्स्ट एंड दिस फंक्शन इज सेकंड फंक्शन. नाउ on differentiating with respect to x, so we will get log v का differentiation क्या होगा, 1 upon v. ठीक है, इसका differentiation हो जाएगा 1 upon v, so we will get 1 upon v and dv over dx equals to first function as it is and second function का differentiation, so it is 1 upon x plus second function as it is and first function का differentiation. So we will get differentiation of 1 is 0 and differentiation of 1 upon x will be minus 1 upon x square.
ठीक है। सो डीवी ओवर डीएक्स, वी को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, हेयर इट इज इन डिविजन, दैट्स व्हाई वी विल गो इन मल्टीप्लीकेशन एंड राइट द वैल्यू ऑफ वी। वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। नाउ लुक, यहां पर फिर से हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ एक्स है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस यहां से मिलेगा क्या, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहां से आप कर देंगे इसको, ठीक है। माइनस क्या बनेगा, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से एक साथ वैल्यू आप यहां रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से क्या मिलेगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू du ओवर dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, इट इज x प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर x एंड इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। ये तो ही dU ओवर dx की वैल्यू। नाउ राइट वैल्यू ऑफ dV ओवर dx, इट इज x रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन x एंड इन ब्रैकेट वी हैव x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। ओके, वी कैन डू वन थिंग मोर हियर, आप यहां पर इसका एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये टर्म हमारी बन जाएगी कंप्लीटली, ये यहाँ माइनस आप रख दीजिए इसको, ठीक है, माइनस बीच बन जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, ये बन गया पूरा dy ओवर dx। सो पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ स्टूडेंट डू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी हमें दो ही फंक्शंस दिए हुए हैं, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ भी आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे लैट u इक्वल्स टू लॉग x होल पावर x एंड v इक्वल्स टू x रेज टू पावर log x, ठीक है। सो जो फंक्शन होएगा वो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू u प्लस v एंड ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस वी विल गेट dy ओवर dx इक्वल्स टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सॉल्व u इक्वल्स टू u equals to log x raised to power x, okay। Now take the log both sides, ठीक है, on taking log both sides we will get log u equals to x log x, keep in your mind, no need to be mistake here, x बाहर आ जाएगा, ठीक है, log x, okay। Now differentiate it with respect to x, so let's suppose this is first function and this whole it will be second function, okay। Now differentiate it, we will get from here 1 upon u du over dx equals to first function as it is, okay। So first function as it is differentiation of second, so log ka pehle differentiation karenge kya ho jayega, 1 upon log x and now we will differentiate log x, so it will be 1 upon x, ठीक है। पहले हमने log का किया तो log x आया और फिर log x का किया तो 1 upon x आया। Now log x as it is, उसके बाद differentiation of x, this is 1, so from here we will get du over dx equals to u चले जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, सो वी विल गेट फ्रॉम हियर log x होल पावर x एंड इन ब्रैकेट x से x कट जाएगा, सो वी विल गेट फ्रॉम हियर 1 अपॉन log x प्लस log x एंड वन मोर थिंग हियर। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेने से देखो यहीं पर कर देते हैं, अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, देन वी विल गेट फ्रॉम हियर लॉग एक्स यहां आ जाएगा, ठीक है,
और एक log x इसके साथ में भी चला जाएगा, ठीक है। ओके नाउ यहाँ देखो log x की होल पावर x है और यहाँ नीचे में क्या है, log x है, सो वी कैन राइट लाइक दिस du ओवर dx इक्वल्स टू log x की होल पावर x माइनस वन। ये बात आपको पता होगी, व्हेन बेस इज सेम एक्सपोनेंट विल बी एडेड, ठीक है। तो log x ऊपर जाके log x की होल पावर माइनस वन होगा और वो x माइनस वन बन जाएगा, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट वन प्लस log log x एंड log x, ठीक। इट इज इक्वेशन नंबर टू, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ गई है। नाउ सॉल्व फॉर v, सो v इक्वल्स टू है हमारे पास x रेज टू पावर log x ऑन टेकिंग log, सो वी विल गेट log v इक्वल्स टू log x, log x पहले आ जाएगा एंड यहां क्या बनेगा फिर से, ये log x बन जाएगा, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट करिए, लेट सपोज इट इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, सो वी विल गेट फ्रॉम हियर वन अपॉन v dv ओवर dx, एंड फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वी विल गेट फ्रॉम वन अपॉन एक्स। सो यहां से आप देख सकते हो क्या बन जाएगा, ये टू लॉग एक्स अपॉन एक्स बन जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम मिलेगा हमें डीवी ओवर डीएक्स एंड वैल्यू ऑफ वी, वैल्यू ऑफ वी क्या है हमारे पास, इट इज एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, ओके, एंड यहां से हमें मिलेगा टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो यहां पर ये x की पावर log x है और नीचे भी क्या है x है, जब x ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस वन होएगा और जब बेस सेम होते हैं तब एक्सपोनेंट्स एड हो जाती है, ठीक है। तो यहां से हमें dv ओवर dx की जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी dv ओवर dx इक्वल्स टू x रेज टू पावर log x माइनस वन एंड ब्रैकेट में टू log x, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, इक्वेशन वन एंड वन टू एंड थ्री, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी विल गेट dy ओवर dx इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ डी ओवर डीएक्स इज लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस वन एंड इन ब्रैकेट वी हैव वन प्लस लॉग लॉग एक्स, ठीक है, एंड लॉग एक्स, ठीक है। सो मेक द डिफरेंस, ठीक। नाउ this is equation number 2 and now from equation number 3 we will have x raised to power log x minus 1 in bracket we have 2 log x, ठीक है। so this is the required solution for question number 7, okay, just go. Now students check for question number 8. It is y equals to sin x, sin x raised to power x and sin inverse root x. So again we have two functions of x. So let's suppose u equals to sin x whole power x and v equals to sin inverse root x. Okay. So function will be y equals to u plus v and on differentiating we will get dy over dx equals to du over dx plus dv over dx, ठीक है। तो पहला काम तो हमने ये कर लिया, नाउ डिफ्रेंशिएट दीज टू फंक्शन। सो पहले u को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो u हमारे पास क्या है, u इक्वल्स टू है साइन x रेज टू पावर x, सो ऑन टेकिंग log both sides, सो वी विल गेट log u इक्वल्स टू x log साइन x, ओके, ठीक। तो अब इसे फर्स्ट सेकेंड आप लगा दीजिए, लेट्स सपोज इट इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, फ्रॉम हियर वी विल गेट वन अपॉन यू डी यू ओवर डीएक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सो इट विल बी वन अपॉन साइन एक्स, एंड जब साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे देन वी विल गेट कॉस एक्स एंड प्लस लॉग साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन
as it is and differentiation of first function, that is 1. So from here we will get du over dx and u right hand side mein aa jayega, or we can put here value of u, that is sin x raised to power x, and in bracket we have x cos x upon sin x kya ho jayega, cot x plus log sin x. Okay, so this is the differentiation of u. Let's suppose this is equation number 2. Okay, now differentiate v. So v is v equals to sin inverse root x. अब यहाँ पर दो तरीके हैं, चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट डायरेक्टली. सो dv ओवर dx जस्ट डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट x. ओके, तो क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है. बट हमारे पास x की जगह क्या है, रूट x है, तो ये क्या बनेगा, रूट x का स्क्वायर बनेगा, और रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली x. सो वी विल गेट फ्रॉम हियर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ वी विल डिफरेंशिएट रूट x. रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट x को हम लिख सकते हैं इसकी पावर 1 बाई टू, एंड वी विल गेट फ्रॉम हियर 1 बाई टू एक्स रेज टू पावर माइनस 1 बाई टू, एंड इट कैन बी रिटन लाइक 1 अपॉन 2 रूट x. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. सो differentiation of root x, we will get 1 upon 2 root x. So we can write it dv over dx equals to 1 upon 2 root x and root 1 minus x यहाँ पर आएगा, ना कि x square, क्योंकि root x का square क्या होएगा, x होएगा, ठीक है. So this is equation number 3. ये equation number 3 हमारे पास आ गई है, ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है, एंड 3 वी विल गेट dy ओवर dx इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ du ओवर dx, इफ दिस इज sin x रेज्ड टू पावर x, एंड इन ब्रैकेट वी हैव x cot x plus log sin x. Okay, and value from equation number 3 of dv over dx is 1 upon 2 root x and 1 minus x. This is the required solution. Pause the video to be noted down. Now students, check for question number 9. It is y equals to x raised to power sin x plus sin x raised to power cos x. Cos x. So again we have two functions. So let's suppose y equals to u plus v, where u is x raised to power sin x and v is sin x raised to power cos x. On differentiating we will get dy over dx equals to du over dx plus dv over dx. Now this is equation number 1. Now solve first u. u को पहले सॉल्व करते हैं, तो u को सॉल्व कैसे करेंगे, x रेज टू पावर साइन x, टेक लॉग बोथ साइड्स, सो वी विल गेट लॉग u इक्वल्स टू, लॉग लेने पर साइन x पहले आ जाएगा, सो वी कैन राइट साइन x लॉग x. सो वी हैव टू फंक्शंस हियर, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो log u का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन u du ओवर dx, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सो sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x विल बी 1 अपॉन x, ठीक है. नाउ प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट इज cos x. नाउ वैल्यू ऑफ du ओवर dx एंड u क्या होएगा, आप राइट हैंड साइड में चले जाएगा इन मल्टीप्लीकेशन, एंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ u, दिस इज x रेज टू पावर sin x, एंड इन ब्रैकेट वी हैव sin x अपॉन x प्लस log x cos x. And you can do one thing more here. You can take LCM. इसका अगर हम LCM ले लेते हैं, then we will get from here x log x
ठीक है, अपॉन x। अब देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर में क्या है, साइन x है, नीचे में क्या है, x है। सो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा नीचे वाला x, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट x रेज टू पावर साइन x माइनस वन, एंड इन ब्रैकेट वी हैव साइन x प्लस x लॉग x एंड कॉस x। ओके, ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ कैलकुलेट वी, वी इक्वल्स टू वी हैव साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। ओके, नाउ टेकिंग लॉग, ऑन टेकिंग लॉग वी हैव लॉग वी इक्वल्स टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। फ्रॉम हियर वी हैव टू फंक्शंस, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड फंक्शन इज दिस। नाउ डिफ्रेंशिएटेड, सो वी विल हैव वन अपॉन वी डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इट विल बी वन अपॉन साइन एक्स, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स। नाउ प्लस लॉग साइन एक्स second function as it is and differentiation of second function, sorry first function, it will be minus sin x। ठीक है, क्या हो जाएगा ये minus sin x यहां आ जाएगा। ठीक है, तो minus sin x, ठीक। सो यहां से मिलेगा dv over dx equals to v right hand side में, so it will be sin x raised to power cos x, and from here just check it, we will get cos x upon sin x, cot x and cos x and minus sin x and log sin x। ठीक है, यहां से हमें ये मिल जाएगा। ठीक, नाउ फ्रॉम हियर सो लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, सो फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी विल गेट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स की वैल्यू काम करते ये वाली रख लेते हैं। सो अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैच क्वेश्चन का आंसर मैच करना है देन पुट दिस वैल्यू। सो वी विल हैव फ्रॉम हियर साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, एंड साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, ये आ गया डी यू ओवर डी एक्स। नाउ प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स एंड कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज y इक्वल्स टू x रेज टू पावर cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। सो यहां पर भी हमारे पास दो फंक्शंस हैं, सो वी कैन सपोज y इक्वल्स टू u प्लस v, एंड ऑन डिफरेंशिएटिंग वी विल गेट dy ओवर dx इक्वल्स टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। नाउ लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सॉल्व फर्स्ट u, u इक्वल्स टू वी हैव x रेज टू पावर x cos x। ठीक है, सो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे, तो लॉग u इक्वल्स टू x cos x log x। नाउ अप्लाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी विल गेट फ्रॉम हियर वन अपॉन u du ओवर dx हो जाएगा ये, एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज and differentiation of second function that is 1 upon x and second function as it is and differentiation of first function। तो differentiation of first function करते वक्त आपको ध्यान रखना है ये भी दो function का product है। ठीक है, तो दो function का product है, तो इसमें भी मैं directly यहां apply करने जा रही हूं first function as it is and second का differentiation and plus सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू।
क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते वक्त हमें ध्यान रख रहे हैं यहां पर भी हमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल हमें यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। सो डी यू ओवर डी एक्स वी विल गेट फ्रॉम हियर वैल्यू ऑफ यू, इट इज एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, ओके, इन ब्रैकेट वी विल हैव एक्स कॉस एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स। तो देखो इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, सो वी विल गेट एक्स कॉस एक्स, एंड फ्रॉम हियर माइनस एक्स साइन एक्स एंड लॉग एक्स एंड प्लस लॉग एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ सॉल्व वी, वी को अब सॉल्व करना है, ठीक है। सो वी इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो इसका हम लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेने पे क्या होगा, लॉग b इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बन जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो वन अपॉन b dv ओवर dx इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जब एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड फिर से जब हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट फ्रॉम हियर टू एक्स। सो ऑन टेकिंग एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां से हमें टू एक्स मिलेगा, ठीक है। एंड समथिंग इज रॉन्ग, माइनस टू एक्स, ओके, टू एक्स एंड ब्रैकेट में हमें मिलेगा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड माइनस टू एक्स, और ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक। सो ऑन मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट फ्रॉम हियर टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स एंड माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, ओके, एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन। फ्रॉम हियर यू कैन चेक टू एक्स क्यूब से टू एक्स क्यूब कट जाएगा एंड वी विल गेट माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। सो डीवी ओवर डी एक्स वी हैव वी इन मल्टीप्लीकेशन, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और यहां से हमारे पास है माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन, ओके। सो इस एक्स स्क्वायर प्लस वन से ये एक्स स्क्वायर प्लस वन कट जाएगा एंड वी विल हैव माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। सो फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी हैव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी एक्स, दिस इज एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, x raised to power x cos x, and in bracket we have cos x minus x sin x log x, ठीक है, plus log x cos x, ठीक है। now value of dv over dx, this is minus 4x, ठीक है, माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू, ठीक है। इसको आप एक बार चेक करिए एंड पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।